नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को शहर के पंडालों में विराजे भगवान गणेश। शक्ति 2 का गणेश पंडाल शहर वासियों को कर रहा आकर्षित। गणपति बप्पा के जयकारों से अब गूंजेगा समूचा शहर। लचर कानून व्यवस्था और मृतक चंद्रशेखर के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भूख हड़ताल कर दिया धरना। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन का किया जाएगा विस्तार। और भाजपा की परिवर्तन यात्रा के सभा स्थल को लेकर दुर्ग जिला हॉकी संघ ने जताया विरोध। वहीं भाजपा नेताओं ने पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया मैदान का गेट। अब खबरें विस्तार से। न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के तत्वाधान में हर साल की तरह इस साल भी सेक्टर 2 सेंट्रल एवेन्यू में भव्यता से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की यहां पर विराजमान की गई है। रोजाना हजारों श्रद्धालु यहां पर उपस्थित होंगे। सपनों की नगरी थीम पर बने यहां के सेटअप को देखने और भगवान के दर्शन करने हजारों श्रद्धालु रोजाना यहां पहुंचेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, हम फाइनली बप्पा की नगरी में पहुंच चुके हैं। सपनों की नगरी में न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति की तत्वावधान में 39 वर्षों से जो गणेश उत्सव का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, उसकी तैयारियां अब पूरी चरम पर है और आज शाम को फाइनली बप्पा यहां पर विराजमान हो जाएंगे। हम सेटअप के अंदर आपको सपनों की नगरी मिले जा रहे हैं। इसके पहले भी मैंने आपको सपनों की नगरी वाला एक थीम, आपको एक रील भेजा था, तो सब ने मुझे कई सारे कॉल करे। उन कॉल में ये था कि क्या पेड़ सफ़ेद कलर के होते हैं? तो मैंने बोला कि क्या सपनों में हम क्या कर रहे हैं, सपनों में हम क्या हमारी जो फीलिंग है वो सपनों में अलग सी होती है। सपनों में हम आसमान पे उड़ रहे होते हैं, सपनों में हम आइसक्रीम की पहाड़ देखते हैं। तो जो ये नगरी बप्पा की नगरी है, सपनों की नगरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेड़ है सफ़ेद है। इसी की मुझे जो कॉल आए थे वो इसलिए थे कि क्या पेड़ सफ़ेद रंग के होते हैं? तो मैंने ये बोला था कि हाँ, सफ़ेद रंग के नहीं होते हैं, लेकिन सपनों में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये सेट देख रहे हैं, भव्य तैयार है आप सबके लिए। फाइनली आज शाम को बप्पा यहाँ विराजमान हो जाएंगे। पूरी कड़ी 2 महीने की मशक्कत के बाद में इस पूरे भव्य सेटअप को तैयार किया गया है। कलकत्ता से आए कारीगरों ने बहुत ही बारीकी से एक एक फूल, एक एक पत्तियों को, एक एक सेटअप को तैयार किया है। बहुत महंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं, थर्माकोल, कॉर्क, बहुत सारी चीज़ों से बने इस सेटअप को आप शाम को देखने आ सकते हैं, आरती में शामिल हो सकते हैं और बप्पा से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बप्पा की मूर्ति भव्य विराजमान तो है, लेकिन अभी विधिवत पूजा नहीं हुई, इसलिए हम पूरा उनको नहीं दिखा पा रहे हैं। आप देख सक रहे हैं और लगातार हमारे साथ बने भी रहिएगा। 10 दिन हम आपके साथ फेसबुक लाइव में, डी लाइव में और घर ग्रैंड एशियन न्यूज़ के 1 नंबर चैनल पर आपको लाइव ही प्रसारण रहेगा। आप देख सकते हैं घर में बैठ कर। तो इस सेटअप में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, मैं खुद इसकी साक्षी हूँ क्योंकि हर वर्ष मैं यहाँ पर मौजूद रहती हूँ। लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं बप्पा का आशीर्वाद लेने, इस सेटअप को देखने। पिछले साल का थीम भी बहुत अच्छा था, हम पत्रकारों को समर्पित था और इस बार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के ये थीम तैयार किया गया है। तो हम लगातार आपके साथ 10 दिनों तक बने रहेंगे और दिखाते रहेंगे यहाँ की झांकियों को, यहाँ की प्रोग्राम्स को, यहाँ की आरती को। नमस्कार। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के सभा स्थल को लेकर दुर्ग जिला हॉकी संघ ने जताया विरोध, तो वहीं भाजपा पदाधिकारियों ने पुलिस की उपस्थिति में खुलवाया मैदान का गेट। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा निकाली गई परिवर्तन यात्रा आगामी 21 सितंबर को दुर्ग शहर विधानसभा पहुंच रही है, जिसे लेकर दुर्ग शहर विधानसभा में परिवर्तन यात्रा की जनसभा को सफल बनाने की रणनीति जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के निर्देशन में बनाई गई, जिसके चलते दुर्ग के समृद्धि बाजार स्थित हॉकी ग्राउंड को सभा स्थल चुना गया। मगर वहीं दुर्ग जिला हॉकी संघ ने खेल मैदान में राजनीतिक आयोजन न किए जाने का विरोध जताते हुए गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद मंगलवार को मौके पर पहुंचे भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और अन्य पदाधिकारियों ने हॉकी संघ के पदाधिकारियों से चर्चा तो की, मगर चर्चा बढ़ते देख मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस के एडिशनल एएसपी संजय ध्रुव ने दोनों पक्षों से मामले में जानकारी लेकर ग्राउंड का गेट खुलवाया। इस संबंध में जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोई विवाद नहीं है, हम लोग 21 तारीख को
भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा आ रहा है, तो दुर्गा में भी सभा होना है, उसके लिए हमने 14 तारीख से आवेदन लगाए हैं। यहाँ कुछ लोगों को आपत्ति है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बड़ा मैटर नहीं है। देखो, हमने बलपूर्वक नहीं खुलवाया, हमने परमिशन लिया है विधि सम्मत, और सरकार ने हमको परमिशन दिया है 21 तारीख को। ये लोग जबरदस्ती बल प्रयोग कर रहे हैं। हर एक ग्राउंड में खेल होता है, ये बताओ, दुनिया के जितने भी ग्राउंड हैं वहाँ धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद का कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन जिसको परमिशन मिलता है, सारे ज़मीन जो है सरकार के हैं, सरकार ने हमको परमिशन दिया है, तो हमारा यहाँ परिवर्तन यात्रा का सभा होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्मृति नगर क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी और कोहका में चंद्रशेखर नाम के युवक की हुई हत्या को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर द्वारा स्मृति नगर में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना दिया गया। शासन प्रशासन से मृत चंद्रशेखर के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। भिलाई शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं, बढ़ती नशाखोरी को लेकर विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर द्वारा अध्यक्ष राजू चौबे के नेतृत्व में स्मृति नगर में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना दिया गया। भूख हड़ताल पर विश्व हिंदू परिषद के भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे बैठे। धरने पर बैठे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कोहका में चंद्रशेखर की हुई हत्या को लेकर शासन प्रशासन से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही स्मृति नगर क्षेत्र में शाम ढलते ही तेजी से बढ़ रही नशाखोरी पर लगाम लगाने, देर रात तक बेवजह घूमते युवकों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। भिलाई नगर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष राजू चौबे ने कहा कि स्मृति नगर में नशाखोरी तेजी से बढ़ रही है। देर रात तक युवक अपने चार पहिया वाहनों में बैठकर नशाखोरी किया करते हैं। नशे में धुत युवकों द्वारा रास्ते से गुजर रहे लोगों को बेवजह परेशान किया जाता है। नशाखोरी की वजह से कोई बड़ी घटना हो इसके पूर्व इस पर तत्काल लगाम लगाए जाने की बातें राजू चौबे ने कही। साथ ही चंद्रशेखर के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की। मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आंदोलन का विस्तार किए जाने की जानकारी राजीव चौबे ने दी। दुर्ग और भिलाई शहर में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उसके विरोध में हम लोग बैठे हैं, और गत तीन दिवसों में जो दो हत्याएं हुई, बड़े जघन्य हत्याएं हुई, एक उसी पार में मलजीत सिंह की और एक कोहका में चंद्रशेखर ठाकुर की। कुर्सी पार में जो घटना हुई उसमें मुख्यमंत्री द्वारा कल घोषणा की गई है कि मृतक के परिवार को उसकी पत्नी 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, उनकी पत्नी को संविदा नियुक्ति दी जाएगी और उनके बच्चों को स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बड़े अफसोस का विषय है, शर्म का विषय है कि यदि किसी मृतक के लिए किसी के साथ अन्याय होता है, किसी मृतक के लिए एक बड़ा समाज एक बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करता है तभी वो मुआवजे का हकदार होता है। एक गरीब आदिवासी युवक की मृत्यु पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है। कल दोपहर को जब मैं चंद्रशेखर ठाकुर के घर पहुंचा, मेरे साथ हमारे विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, हमारे जो जिला कार्याध्यक्ष पारस जंगेल जी थे, हमारे जिला उपाध्यक्ष निहाल ठाकुर जी थे, बजरंग दल के नगर संयोजक रोहित दुबे थे और हमारे नगर मंत्री संदीप चौधरी थे। हम जब वहाँ गए तब तक एक भी व्यक्ति, शासन प्रशासन, किसी राजनीतिक दल, किसी समाज सेवक, कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा था उनकी सुधरने के लिए। जब हमारी बात मीडिया में आई तो उसके बाद फिर आज सुबह से मुझे पता चला कि वहाँ लाइन लग गई लोगों को जाने की। लेकिन प्रश्न ये है कि हल क्या निकला इन दो हत्याओं के विरोध में तो हम हैं, लेकिन इसके मूल में जाना अत्यंत आवश्यक है। इन हत्याओं के पीछे, इन आपराधिक घटनाओं के पीछे जो मूल है वो दुर्ग और भिलाई शहर में बढ़ता हुआ नशे का कारोबार है। देर रात तक दुकानों का खुला रहना, मैं जिस जगह में बैठा हूँ स्मृति नगर चौक के बिल्कुल, ये सिटी ऑफ हार्ट कहा जाता है इसको, हृदय स्थल है शहर का, ये मेरे दाएं हाथ में यहाँ से 20 कदम पे पुलिस चौकी है, और इस रोड में यहाँ से लेकर आगे 100-200 मीटर तक रात को 1 बजे तक कम से कम 10 दुकानें खुले रहती हैं और कम से कम 500-700 लोगों का जमावड़ा अलग अलग दुकानों में मिलाकर होता है। तो रात को 1 बजे तक ऐसा कौन सा कारोबार ये कर रहे हैं, और ये जो युवक युवती समूह में खड़े हैं वो कर क्या रहे हैं? नशे का कारोबार हो रहा है, और इन नशे के कारोबार से कैनरा बैंक से लगी हुई हमारे स्मृति नगर चौक में कैनरा बैंक है, उससे लगी हुई पार्किंग की जो जगह है, शाम को 5 बजे कैनरा बैंक के बंद होने के बाद रात 7 बजे के बाद वो जगह एक ओपन बार में तब्दील हो जाती है। खुले आम लड़के कार के ऊपर ग्लास रख के उस पर शराब पीते नजर आते हैं, और सामने जो होटल और ढाबे वाले हैं वो रात को 1 बजे तक पंजाबी ढाबा
उनको चकना और दूसरी चीज़ें सप्लाई करता है, पानी, ग्लास, सोडा, इस प्रकार की चीज़ें उनको दी जाती है। तो खुलेआम नशे का धंधा हो रहा है और इसी प्रकार के नशे में, और शराब का हो चाहे फिर अन्य किसी प्रकार का नशा हो, नशे में जब ये समूह में युवक युवती होते हैं तब इस प्रकार की घटनाएं होती है। संस्था द्वारा समिति के निर्माण सहकारी संस्था एक छोटी सी सहकारी संस्था है। संस्था द्वारा अपने स्तर पर हर प्रयास किए गए हैं। मैं यदि आप किसी दिन संस्था कार्यालय आएँ तो आपको मैं पत्राचार दिखाऊँगा कि स्मृति नगर चौकी सुपेला थाना CSP भिलाई एडिशनल SP दुर्ग से लेकर वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों तक हमने पत्र लिखा और गुहार की। पिछले जो SP थे इनके पहले सरभ सिन्हा साहब से पहले उन अभिषेक पल्लव जी उनसे हम व्यक्तिगत मुलाकात की, उसके पहले जो SP थे उनसे व्यक्तिगत मुलाकात की थी। और स्मृति नगर चौकी चूँकि संस्था के भवन में संचालित है तो जो भी नए चौकी प्रभारी आते हैं हम हर किसी से निवेदन करते हैं, लेकिन इन तरह से इन घटनाओं पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाता, प्रयास संस्था के द्वारा सदा से किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि इन मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इनकी पत्नी चूँकि एकमात्र वो कमाने वाला सदस्य था घर में, उसकी पत्नी और 5 उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए, चाहे वो संविदा में जैसे इस तरह दी गई है उसी तरह से उनको संविदा की नौकरी दी जाए और उनके बच्चों को भी स्वामी आत्मानंद स्कूल में पढ़ाया जाए, 5 बच्चों को। यही हमारी मांग है सरकार से। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार हिलने लगी पर्दों की तरह, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं मेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरतें बदलनी चाहिए। इन सूरत को बदलना होगा, जो व्यवस्थाएं हैं उनको बदलना पड़ेगा, इन व्यवस्थाओं को बदलकर सुव्यवस्थित रूप से शासन चले, चुस्त दुरुस्त प्रशासन हो, रात के निश्चित समय पर दुकानें बंद हो, रात को आवारागर्दी करते भीड़ में लड़के ना दिखे, ऐसे युवकों के ऊपर कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, निश्चित रूप से सारी आपराधिक जो घटनाएं हो रही है उन पर काफी कुछ अंकुश लगेगा, ये नियंत्रित होंगी। विश्व हिंदू परिषद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए और मृतक चंद्रशेखर के परिजनों को तत्काल मुआवजा देने की मांग शासन प्रशासन से की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अब वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी, ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी, 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर भकंदर हाइड्रोसिल गुप्तरोग चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 6 सिटी बसों का संचालन ही दुर्ग भिलाई में किया जा रहा है। सुपेला बस स्टैंड में खड़ी तमाम बसें कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत साल 2015 में ग्रामीण इलाकों को शहर से जोड़ने और सस्ते दर पर आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने सिटी बसों का संचालन शुरू किया गया था। दुर्ग भिलाई में 130 करोड़ की लागत से इस योजना की शुरुआत की गई। दुर्ग जिले के लिए 70 बसें ही उपलब्ध कराई जा सकी। वर्षों से कबाड़ में तब्दील हो चुकी सिटी बसों का संचालन एक बार फिर से कुछ माह पूर्व किया गया था और सभी सिटी बसों के संधारण करने की बातें कही गई थी, जिस पर अमल नहीं किया जा सका। वर्तमान में केवल 6 सिटी बसों का संचालन ही दुर्ग जिले में हो पा रहा है। सभी सिटी बसें सुपेला बस स्टैंड में खड़े खड़े रख रखाव के अभाव में कंडम हो चुकी हैं।
6 सिटी बसों को लेकर ही रूट चार्ट तैयार किया गया है। साथ ही 8 सिटी बसें बनकर तैयार हैं, जिसे चलाए जाने परमिट के लिए आवेदन किया गया है। सिटी बसों का परिचालन नहीं होने से एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना कर रहे यात्रियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की परेशानियों को समझते हुए प्रशासन ने ऐसा रूट तय किया जिससे लोग अपने गंतव्य तक कम किराए में आसानी से पहुंच सके। लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को कुछ वक्त तक ही मिला। कुछ माह पूर्व सिटी बसों के संचालन को लेकर निगम अधिकारियों द्वारा दावे किए गए थे, जो केवल कागजी ही साबित हुए। सुपेला बस स्टैंड में वर्तमान में 69 बसें हैं, जिनमें से 6 बसों का ही परिचालन किया जा रहा है। वहीं 8 बसें परमिट मिलने के इंतजार में डिपो में खड़ी हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। शिवनाथ नदी के महमरा घाट में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे युवक की बॉडी को SDRF की टीम ने बाहर निकाला। वहीं मृतक रंजीत सिंह झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। विश्वकर्मा मूर्ति विसर्जन के लिए अपने दोस्तों के साथ दुर्ग शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पहुंचे मृतक रंजीत सिंह की पानी में डूबने से हुई मौत, जिसको लेकर शिवनाथ नदी में युवक के शव की तलाश SDRF की टीम द्वारा की जा रही थी। बता दें, मृतक रंजीत सिंह झारखंड का रहने वाला बताया गया है, जो वर्तमान में डिस्पोजल गिलास उर्ला फैक्ट्री में काम करता था। मंगलवार को SDRF की टीम मृतक रंजीत सिंह की बॉडी को शिवनाथ नदी के छातागढ़ स्थित रेलवे ब्रिज के पास से निकाला। इस दौरान SDRF टीम के जवानों द्वारा घटनास्थल पहुंचकर डीप ड्राइविंग कर बॉडी को निकाला गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर।
इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। आप सभी का स्वागत है। हाउसिंग बोर्ड में पौनी पसारी योजना के तहत जरूरतमंदों को आवंटन करने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। इसका भूमि पूजन हुए, महीनों बीत गए, लेकिन कोई भी दुकानदार चबूतरे में व्यापार अब तक नहीं शुरू कर सका है। नगर निगम के विभिन्न वार्डों में बेरोजगारों को व्यापार करने के उद्देश्य से चबूतरों का निर्माण शेड बनाकर किया गया था। इसी के तहत औद्योगिक क्षेत्र हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी चबूतरे बनाए गए थे, जिसका भूमि पूजन कुछ महीनों पूर्व किया गया था। चबूतरे तो बनकर तैयार हो गए, लेकिन इनमें व्यापार करने कोई भी दुकानदार अब तक नहीं पहुँचा है। चबूतरों के सामने सुबह से शाम तक ठेला लगाकर लोग व्यापार करते देखे जा सकते हैं। नगर निगम द्वारा बनाए गए चबूतरों में केवल नशाखोरी से संबंधित कार्य होता है। शाम ढलते ही चबूतरे पर बैठकर लोग शराब का सेवन करते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चबूतरा निर्माण की यह योजना पूरी तरह से असफल हो चुकी है। इसका लाभ किसी भी जरूरतमंद को नहीं मिला है। चबूतरों को प्राप्त करने बेरोजगारों में होड़ मची थी। अब आवंटन होने के पश्चात चबूतरे में व्यापार करने कोई भी तैयार नहीं दिखता। रख रखाव के अभाव में चबूतरे टूटने भी लगे हैं। नगर निगम ने चबूतरों का निर्माण करने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। बाकायदा छत बनाकर चबूतरे उपलब्ध कराए गए थे। व्यावसायिक क्षेत्र होने के बावजूद भी आवंटी यहाँ पर व्यापार करने क्यों नहीं तैयार है, यह समझ से परे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। वास्तु शास्त्र के निर्माता, यंत्रों का हृदय कहलाने वाले ब्रह्मपुत्र भगवान विश्वकर्मा जी के दिवस से बढ़कर यंत्रों की खरीदारी हेतु कोई दिवस हो सकता है ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे ही विचारों को महत्व देते हुए महवारा दुर्ग के कृषक भूपेंद्र मेश्राम अपनी माता रेखाबाई मेश्राम के आशीर्वाद से एवं कलकसा ढेलकडीह राजनांदगांव के कृषक भानु प्रताप नागपुर अपने भ्राता लेखराम नागपुर के कलकरबो से सेल्फ प्रपोल्ड कंबाइन हार्वेस्टर KS9300 एवं सोनालिका सम्राट लेने का निर्णय लेकर गौरवान्वित हुए। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।